आज 71वीं गणतंत्र दिवस पर हम पीडी फाउंडेशन परिवार के शिक्षक छात्र छात्राएं और यहां पर उपस्थित तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, शुभकामना देते हैं। ये गणतंत्र, ये विश्व में गणतंत्र पर एक सौभाग्य की बात है कि विश्व को गणतंत्र हमारा देश भारत ने दिया है। ये गणतंत्र हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, हमारा आचार विचार कैसे होगा, हम कैसे अपने अपने एक संस्कार में रहेंगे। हमारा जो संविधान है, हमारा जो हमारी जो तमाम प्रकार के जो रहने चलने, यहाँ तक कि हम जिस प्रकार के वातावरण में जीते हैं, ये सब के साथ हम इस गणतंत्र के द्वारा पाते हैं। हमें ये बताया गया है, हमारा तीन प्रकार का जो पर्व है, जो सबसे पहले हमारा पर्व है राष्ट्रीय पर्व, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पर्व ये 26 जनवरी और 15 अगस्त के रूप में हम मनाते हैं। हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर के इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। फिर दूसरा जो पर्व है मेरा, एक धार्मिक पर्व है, जो हिंदू अपने ढंग से मनाते हैं, मुस्लिम अपने ढंग से मनाते हैं, सिख अपने ढंग से मनाते हैं, ईसाई अपने ढंग से मनाते हैं। तीसरा जो मेरा पर्व है वो सामाजिक पर्व है। हमारे समाज में भी अपनी अपनी कुछ रीतियां हैं, चाहे वो शादी विवाह के अवसर पर हो या हमारे जो अभी अभी मैंने सुना कि जो सुर संगम संगीत एकेडमी हो या आपको विभिन्न प्रकार के जो एकेडमी है, जो हमें फिल्म के द्वारा, नाटक के द्वारा, ऑर्केस्ट्रा के द्वारा जो दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें एक सूत्र में एक बंधन में पिरोने का काम करता है। और आइए इन तीनों पर्व में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो होता है वो राष्ट्रीय पर्व होता है। और इस राष्ट्रीय पर्व में आज जो है ये 26 जनवरी है, और ये 26 जनवरी जो हमारे देश में जो प्रथम जो गणतंत्र जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950, हम ये सीखते हैं। हम इन दिनों पर, हम राष्ट्रीय पर्व पर, हम अपने देश में जो हमारे जो वीर शहीद जो जवान जो शहीद हुए, हम उनको याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। हमारा जो तिरंगा है वो हमें, हमारा जो केसरिया रंग हमें ये बल भरता है, हमें ये साहस देता है, हमें ये बुलंदियां देता है कि हमारे वीर जवानों ने शहीद होकर के आज हमें आजादी के इस वातावरण में उन्मुक्त होकर के जीने का जो साहस दिया है, ये वो केसरिया रंग देता है। दूसरा जो मेरा रंग है हरा रंग, ये हमारे देश की हरियाली को इंगित करता है। तीसरा जो सफेद रंग है, ये हमारे सादगी का प्रतीक दिखाता है कि हम दुनिया में, हम विश्व को शांति का संदेश देते हैं। ये हमारा अशोक चक्र, ये हमें विश्व को शांति का संदेश देने का पाठ पढ़ाता है। तो आइए हम इस गणतंत्र पर, हम आखिर यही गणतंत्र है जिसके चलते आज हमारे स्कूल में जो बच्चे एक निश्चित ड्रेस में जो उपस्थित होते हैं, एक निश्चित आचार विचार में कैसे हमें शिक्षा लेना है, कौन शिक्षक होंगे, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे वातावरण मिलेंगे, इन तमाम चीजें गणतंत्र के द्वारा हमें मिलता है। हम इस गणतंत्र को एक महान पर्व के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और इस अवसर पर मेरा एक तमाम जो है अतिथियों से, छात्रों से, अभिभावकों से मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से हमारा देश गणतंत्र जो लागू हुआ, उसी प्रकार से हम तमाम अतिथियों, तमाम शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि आइए हम ये संकल्प लें कि हम भी नशा मुक्त समाज की कल्पना करें, नशा मुक्त समाज का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। नशा का अर्थ सिर्फ शराब, नशा का अर्थ सिर्फ
गाजा भांग नहीं होता है, नशा का अर्थ ये छोटा छोटा गुटका है, पराग है। तो आइए हम पीडी फाउंडेशन परिवार की ओर से ये संकल्प लेते हैं, हम तमाम अतिथियों से निवेदन करते हैं कि आप भी आज संकल्प लें कि हम न गुटका, न पान, न पराग, न शिखर, न दारू, न किसी प्रकार का नशा न लें। और आज एक और नशा चल चली है, वो क्या है, तो फेसबुक का नशा, ये व्हाट्सएप का नशा, और तो और एक और उसमें आ गया है विभिन्न प्रकार के खेल जो आ गए हैं। आइए हम तमाम अतिथियों से, तमाम बच्चों से एक संकल्प लेते हैं कि हम लोग एक नशा मुक्त वातावरण का संचालित करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।